श्री मुक्तसर साहब के बस स्टैंड तो यह तस्वीर सामने आई ने जिथे पंजाब रोडवेज पन बस कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स ने पंजाब सरकार के विरुद्ध जोरदार नारेबाजी की है। इस दौरान आम लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पाया। इस दौरान गलबात करदे जथेबंदी के आगुआ ने कथित तौर उत्ते दोष लाए कि बीते दिनी जो ड्राइवर की भर्ती की गई है वह नियमों को छिके उत्ते टंग के की गई है। इस दौरान कथित तौर उत्ते भर्ती लई रिश्वत लैण के दोष भी लगाए गए। दसना बनता है कि इस धरने के दौरान यात्री काफ़ी परेशान नज़र आए। श्री मुक्तसर साहब तो अज की आवाज़ के लिए भजन समाग की रिपोर्ट। नहीं बिल्कुल नहीं ध्यान दे रही साडे वल सरकार, क्योंकि तुहानू पता होगा पिछे हड़ताल हुई सी। उस हड़ताल वेले माननीय प्रमुख सकत्तर जी नाल मीटिंग हुई सी, जिंदे विच इन्हां ने एक लिखती चिट्ठी कढ़ी सी भी इन्हां दी मंगां सानू प्रवान है। इन्हां दी मीटिंग 20 तरीक नूं ट्रांसपोर्ट मंत्री नाल ते 12 तरीक नूं माननीय मुख्यमंत्री नाल हैगी, जिंदे विच हल किया जाऊगा। पर दोनों मीटिंगां पोस्टपोन कर दियां गईयां, कोई मीटिंगां नहीं कीतियां गईयां। उस तो इलावा कल नूं इन्हां ने नवे 28 ड्राइवर भर्ती करके हरेक डिपू च दो दो ड्राइवर ज्वाइन कराने की कोशिश की गई है, जो सरेआम आम जनता नाल धक्का, साडे नाल धक्की है, आम जनता नाल धक्का है। वो इस करके जी तुहानूं दस दईए, आधार कार्ड ते फ्री सफर है। सवारी जिते 50 सवारी गड्डी च हुंदी सी, अज्ज 150 सवारी हुंदी है। जे कल नूं कोई दुर्घटना हो जाती है तो उनकी जिम्मेवारी कौन लेगा जी? जे सरकार नूं कहीए तो जगह चक दिंदी, मैं तां जिम्मे भर्ती नहीं कीते। जे डायरेक्टर नूं कहीए भी दसो जी तुसीं जिम्मेवारी लैंदे हो, तो वह भी कहिंदी मैं तां कीते नहीं। फिर जे कीते नहीं तुसीं तां ड्राइवर आए कित्थों? इस करके सरेआम पंजाब की जनता नाल खिलवाड़ करदे उन्हां जाणा नाल, ते जिहड़ी साडी पक्की दी मंग सीगी उहते कोई विचार नहीं कर रही सरकार, ना ही कोई फैसला कर रही है। सरकार जानबूझ के नुकसान करा रही, हड़ताल मुजारी करा रही है। इहदे च मैनेजमेंट और सरकार मिल के सहायता तो यही चाहते भी साडी सरकार बनी क्यों है, यह डिगनी चाहिए है। वो डिगन की कोशिश वो आप ही कर रहे हैं, इस करके बारी बारी ये धरने मुजारी करा रहे हैं, लोगों का नुकसान करा रहे हैं। मैं कहना डायरैक्टर तक आई है सब सर होंगे, जो मनू डायरैक्टर से पोस्ट मिल जाए ना, मैं प्लस टू पढ़िया तो मैं 10 मिनटा हल कर सकता मंगा, कोई बड़ी मंग नहीं है। मान लो 28 ड्राइवर तुम भर्ती कराने, उन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग भेजो, उसे टैसट लो, उन्होंने टैसट पास करो, उन्होंने ट्रेनिंग दो, फिर भेजो। लोगों ने खिलवाड़ जाना, खिलवाड़ तो ना हो। दूजी गल रहेगी भी जेड़े बंद ने कहें भी ये ब्लैकलिस्ट करते हैं, चोरी करते हैं, साढ़े डायरैक्टर साहब 95 लाख रुपये फड़े गए, जे GM 10-10 हज़ार फड़े गए है, वह तो ब्लैकलिस्ट होए नहीं, वो तो ड्यूटी ले नाल दी नाल ही। जे पक्के ड्राइवर 100-100 लीटर से फड़े गए फिरोजपुर आए थे, उन्होंने तो ड्यूटी से ले लिया गया। जे साढ़े 20 लीटर से कोई ड्राइवर फड़िया जाता जो आपका घर चलाने पिछले लग्या पाया, असी सरकार पक्के मांग क्यों कर दे? उनका कारण यही है भी साढ़े ड्राइवर तुम 15,000 रुपया दिने, 15,000 उन्हें रोटी भी खानी है, चाह भी पीनी है, नाइट भी बाल लानी है, तो वह घर किमें चलावे? जो उनका घर नहीं चलता तो वह घर चलाने वास्ते हाथ पैर मारता है। जे उत्तों एक गलती हो गई कोई 10 साल उन्होंने ब्लैकलिस्ट करता, उनका घर तो उजाड़ता, उन्होंने कोई मौका नहीं दे रहे हो। तो जिन्हें तुम 1.5 लाख रुपया करप्शन से दे रहा वो धक्के ज्वाइन करा जा रहे, लोगों की जिंदगी की परवाह भी नहीं कर रहे। ये गलत फैसला सरकार का, सरकार इस फैसले वापस लेवे। पहले गड्डिया चलवाने जेहड़े बंद तो गलती हुई उन्होंने जुर्माना कर दो, मैं नहीं कहता फ्री करो। उन्होंने गलती की बिल तो मान लो डीजल कटिया 2,000 रुपये का, 2,000 का 50 गुना जुर्माना 1,00,000 रुपया बनता। जे मान लो 100 बंद लख रुपया करो, 1,00,000 रुपया सरकार खाते जमा होता, वो क्यों नहीं सरकार जमा कर रही? क्योंकि सरकार ने सरकार डिपार्टमेंट नहीं चलाना, सरकार ने सजाने सरकारी खजाने से पैसे नहीं लियाने, सरकार ने तो पर्सनल जेब से पैसे लेने हैं। इस करके प्राइवेट भर्ती करके बारी बारी जो है ड्राइवर लियाए जा रहे हैं या कंडक्टर लियाए जा रहे हैं। बिल्कुल जी, पंजाब सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही, सगों वोटां लैण तो पहला साढ़े नाल की आम पब्लिक नाल भी वड्डा वड्डे वादे किए सी कि पंजाब दे विच किसी भी विभाग के जिहड़ी ठेकेदारी सिस्टम आउटसोर्स की भर्ती है जिहड़ी वह नहीं की जाऊगी। इस दे उल्ट ट्रांसपोर्ट विभाग के कल परसों 28 ड्राइवर पैराशूट राही तारे है, जिहदे ते वड्डी करप्शन का जिहड़ा शक है, जथेबंदी कोले कोई सबूत भी हैगे है, वड्डी करप्शन की है ट्रांसपोर्ट डायरैक्टर ने, ट्रांसपोर्ट मंत्री जी ने रल के की है, जिहदे विच ओह ड्राइवर का जिहड़े 28 ड्राइवर भर्ती वास्ते भेजे आ, उन्हां ड्राइवर का कोई भी प्रैक्टिकल टैसट भी नहीं लिया, जिहदे नाल पंजाब दे लोग जिहड़े बसां च सरकारी सफर करते हैं उन्हां दी जान भी जिहड़ी सीधे रूप दे विच जोखम दे विच पाई है। इन्हां मंगां नूं लै के, पक्के करन दी मंग नूं लै के, कंडीशनां ला के कढे साथी नूं बहाल करन दी मंग नूं लै के एक पिछले दिन ही हड़ताल की सी, बटाले वाले साथी की एक नजायज़ रिपोर्ट करती सी, वो साथी की इनकुआरी है जिहड़ी विरोधक जानबुझ के विभाग ने करके उन्हों फारंग करता ड्यूटी तो, यहोजी मंगा लैके जोड़े असी पंजाब रोडवे पन बस PRC कंट्रैक्ट वर्कर यूनियन है जी संघर्ष से है। अज
मुख्यमंत्री जी के प्रिंसीपल सकत्तर नाल शाम की 4 बजे जथेबंदी नूं मीटिंग का समा दिता। सानू उम्मीद है कि वो साड़ी मीटिंग दे विच साड़ियां मंगां दा जिहड़ा सार्थक हल कढ़नगे। जेकर मंगां दा हल ना कीता तां आउण वाले दिनां दे विच जां कल तों ही असीं संघर्ष होर तिखा करांगे। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ? असीं फैसला बहुत स्वागत करते हैं इस फैसले का, पर सानू किते ना किते मिली भुगत जिहड़ी सरकार दी ओह नज़र आ रही है, क्योंकि फैसला आ गया, नोटिफिकेशन हो गया, पर उहदे ते हजे तक जिहड़ा अमल नहीं होया। सरकार नू एक अनलीगल परमिट आ, जिहड़े सीपी परमिट आ, क्लब कीते जिहड़े वध एक्सटेंशन वाले परमिट आ, उहनां ते स्टे बड़े महीनों तो नहीं मिलिया। तो सरकार दे इस फैसले ते उन्होंने 22 तरीक तक जिहड़ा कोर्ट ने स्टे भी दे दिता है। ये किते ना किते सवालों के घेरे चा ट्रांसपोर्ट मंत्री जी की यह कारगुजारी, पर स्वागत है जे ये फैसला लागू कर दी है सरकार, सख्ती नाल लागू करे। प्राइवेट पंजाब का घाण है जे प्राइवेट बसा के रूप के निजी घराणियों नूं लुटदा एक जरिया दिता सी पिछलियां सरकारां ने, ये बंद होना चाहिए। रविंदर कौर, मैं स्टूडेंट हाँ, मैं मलोट जाना है मुक्तसर तो, ते सुबह मैं आई सी इतने अपने स्कूल तो हूँ मैं वापस जाना है, तो सुबह तो बसा चल रही से हूँ इतने धरना लगा के बैठ गया। प्राइवेट बसा भी आ रही पर सरकारी बस उत्थे अड्डे से नहीं जा रही, मतलब बाहर खड़िया सारिया बसा, बाहर बसा चो कोई भी पता नहीं लग रहा भी कि बस किधर जा रही है, इसलिए भी धरना लाना भी है तो एक जगह खड़ के जा मतलब वधिया ढंग नाल करन आपका प्रदर्शन। वो वार वार कदे इधर कदे उधर जाके धरना लाते हैं, इन सारा मतलब हम कि सू तकलीफ हो रही भी असं मलोट जाना, सू पता नहीं लग रहा भी असं कि बस से जाना, सानू मैनू इत घंटा हो चलिया खड़े भी अजे तक पता नहीं लग रहा भी हम प्राइवेट बसा चल तो रही पर पता नहीं भी कि बस कदों आ रही है, क्योंकि टाइमिंग वगैरह का कुछ नहीं पता। हाँ जी, बस टाइम ते पहुंच जगे भोग ते इन्नी गल है। सरकारी टक्कर की जे सरकारी ते जा उड़ांगे, प्राइवेट टक्कर की प्राइवेट ते जा उड़ांगे, उपड़ना टाइम ते भोगदे ते जरूरी है। अंग्रेज कोर किथे जाना तुसी, सरकारी बसां च बंद ने, किन्नी के खज्जल खुआरी हो रही है? बहुत हो रही है जी। केड़ी जगह जाना तुसी? असि उत्थे फिरोजपुर जाना। फिरोजपुर जाना? मुराद वाले तो आए हैं। मुराद वाले तो आए हो, फिरोजपुर जाना है? हाँ जी। पता नहीं सी भी अज बसां बंद? सानू नहीं कोई पता नहीं सी जी। सरकार नूं इह कहिंदे बसां चलणियां चाहीदियां, असीं खज्जल खराब हो जांदे आ। किन्ना टाइम हो गया तुहानूं इत्थे खड़े नूं? असीं तड़के दी खड़ियां। हां, प्राइवेट बस ते नहीं चढ़दियां तुसीं? प्राइवेट जे ना सैंगल फिर चढ़ना पऊगा, जे सरकारी मिल के चढ़ जांगे। शाम नूं मुड़ना भी असीं। मुराद वालों ਬਕਸਰ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਜੀ, ਭੋਗ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿ? ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ, ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀ ਬੱਸਾਂ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਕਰ ਲਓ।